like it up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Good morning friends, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे. और आज बहुत दिनों के बाद मैं अपना व्लॉग बना रही हूँ. एक्चुअली बस आज का स्कूल शुरू हो गया है, तो कुछ स्पेशल जैसे कि DIY या कुछ ऐसा करने का मुझे टाइम नहीं लग रहा है. तो बस वही जो छोटी छोटी क्लिप्स होती हैं शायद इनकी, वही मैंने इकट्ठी की है और एक व्लॉग बनाने की कोशिश कर रही हूँ. आई होप आपको पसंद आए. तो मॉर्निंग से ही की है शुरुआत, देखती हूँ क्या शूट कर पाती हूँ. आज मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट तो नहीं मैं शूट कर रही हूँ, बट क्योंकि कुछ ज़्यादा था नहीं, सिंपल परांठे बनाए थे. और उसके बाद बस अभी क्लास शुरू हो जाएगी बच्चों की, तो थोड़ी देर पढ़ाने के बाद फिर उसके बाद दोपहर का लंच वगैरह वो सब शूट करती हूँ. उम्मीद करूँगी आप लोगों को पसंद आए. काफ़ी नए लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. उनसे उम्मीद करूँगी कि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ को देखें, कमेंट करें. तो ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं, शुरू करते हैं. तो सुबह सबसे पहले नहाने के बाद मैंने अपने प्लांट्स को पानी वगैरह दिया. उसके बाद हस्बैंड को जाना होता है, तो सबसे पहले मैंने ब्रेकफास्ट बनाया. और बस अब मैं डस्टिंग वगैरह करके और थोड़ी सफाइयाँ वगैरह कर लूँगी, क्योंकि उसके बाद फिर मैंने बैठ जाना है, नोट्स वगैरह बनाने हैं बच्चों के लिए. क्योंकि ऑनलाइन वर्क चल रहा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, काफ़ी टाइम फ़ोन के साथ स्पेंड करना पड़ता है, और एक बार बैठ जाओ तो फिर लगता है कि काम करवा के ही उठें. तो इसलिए मैं पहले अपने सारे छोटे छोटे काम निमेट लेने की कोशिश करती हूँ, तो उसी में लगी हुई हूँ मैं. स्कूल वगैरह के काम से फ्री होने के बाद अब मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड दोपहर में घर पे ही आते हैं. भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, और साथ में मक्खन लस्सी वगैरह भी साथ साथ ही चल रहा है. तो वही एक पंथ कई काज हम लोगों की चलते ही हैं लेडीज़ के किचन में, तो उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ. बेटा लस्सी नहीं पीता है, उसके लिए दही रख ली है और मक्खन बना दिया है. पहले मैं भिंडी बिना टमाटर वाली बनाती थी, पर अब मैंने दो तीन बार टमाटर वाली बना के देखी है, काफ़ी अच्छी बनती है ये. तो आज भी मैंने टमाटर वाली ही बनाई है, काफ़ी अच्छी लगती है. अगर आप कभी नहीं, हमारे यहाँ पे टमाटर कम लोग डालते हैं, पर मैंने जब इसको मतलब एक दो वीडियोस में मैंने किसी की देखा था, अच्छा लगा तो मैंने बना के देखी, काफ़ी अच्छी लगी. Thank you.
सुना देते हैं। तो अब शाम का टाइम है, दो बच्चे आते हैं मेरे नेबर के हैं ट्यूशन पे, उनको पढ़ा रही हूँ मैं और बस छुट्टी करने वाली हूँ। अब लास्ट है, इनका वर्क हो चुका है, जाने वाले हैं ये। तो ये पानी का घड़ा लेके आई थी मैं मार्केट से, तो ये मिला था हमें 150 का, और जो कलरफुल थे, जो कलर्ड थे, अच्छे से कलर किए गए थे, वो मिल रहे थे 300, 350, 400 तक। तो 150 का लगभग दुगना ही हो गया। तो मैं घर पर प्लेन ही ले आई थी और कलर कर रही थी, मैंने कहा चलो 150 रुपये बचा लेते हैं। तो उसीलिए हम लोग हंस रहे थे कि 150 के 300 बना लेते हैं थोड़ी देर बैठ के। तो वही मैं कर रही हूँ, आप चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं। मुझे कलर करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत रिलैक्स फील करती हूँ सारे दिन की थकावट के बाद। अगर मुझे थोड़ा सा भी कोई इस तरह का काम मिल जाए ना करने को, मज़ा आ जाता है। तो ये देखिए कलर होने के बाद ऐसा लग रहा है ये,
बहुत सुंदर लग रहा है, सच में लग रहा है कि 150 के 300 बन चुके हैं। तो इस तरीके से हम अपने घर पे सिंपल चीज़ों को भी अच्छे से कलरफुल बना सकते हैं अगर चाहें तो। काफ़ी सुंदर हो गया ये। तो ठीक है फ्रेंड्स, और मैं बस अब एंड करने वाली हूँ आज के व्लॉग का, क्योंकि डिनर में मैं कुछ ज़्यादा नहीं शूट करने वाली हूँ, क्योंकि वही है, कोई ज़्यादा नहीं है। मैंने दाल बनानी है, दिन की सब्जी रखी हुई है और बस डिनर हो जाएगा हमारा। अभी मैं थोड़ा सा नोट्स वगैरह तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि लाइफ जो है फिर से वही आ गई है, वही नोट्स तैयार करो, पढ़ाओ। और सच बात बताऊँ तो स्कूल जाके पढ़ाना ज़्यादा ईजी है, बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा गर्दन में दर्द, सिर में दर्द, बहुत बुरा हाल हो जाता है। कंटिन्यूसली मतलब कि मोबाइल यूज़ करना पड़ता है, फिर अपने काम होते हैं उनके लिए भी मोबाइल यूज़ करना पड़ता है, तो काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। बेटे के साथ भी यही हो रहा है, पर मेरी कोशिश होती है कि बेटे को मोबाइल से थोड़ा सा बचा के रखूँ, क्योंकि बारीक काम होता है देख के करने का तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो मेरी कोशिश होती है कि उसको मैं अपने तरीके से उसको खुद डिक्टेट कर दूँ, तो मैं उसको थोड़ा सा बचाती हूँ, पर मेरा हाल ख़राब हो जाता है आजकल। तो ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं व्लॉग आएगा, DIY आएगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, आई डोंट नो। तो ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।